दोस्तों टेक्नो कैमोन 16 जो आखिरकार लॉन्च हो चुका है। 11,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इस फोन में देखने को मिल जाता है, यानी कि ये इस फोन की हाईलाइट है। कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है और ऐसे में इस फोन के और भी कंपटीटर पहले से ही मौजूद है बाजार में, फिर चाहे वो रियलमी 7i हो। और दोनों ही फोन की कीमत में सिर्फ एक हज़ार रुपये का अंतर है। 11,000 रुपये का ये पड़ता है टेक्नो कैमोन 16 और रियलमी 7i जो पड़ता है वो पड़ता है 12,000 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस से। तो यहाँ पर हम दोनों ही फोन्स के बीच में एक क्विक कंपेरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फ़ोन बेहतरीन है, दोनों ही फोन्स में से हमको कौन सा चुनना चाहिए, और अगर मुझे पर्सनली इन दोनों ही फोन्स में से अगर चुनना पड़े तो मैं किस फ़ोन के साथ जाऊंगा, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं टेस्ट गुरु। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ हो गया टेक्नो कैमोन 16 और इस साइड रख लिया मैंने रियलमी 7i। ऑन द पेपर दोनों ही फोन्स में देखेंगे कौन सा आगे निकल जाता है। तो ऐसे में फिर चाहे फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, कहाँ पर कौन किसको मात देता है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोनों ही फोन्स में डिस्प्ले जो है ना 6.8 इंच का HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाता है टेक्नो कैमोन 16 में, और यहाँ पर 6.5 इंच का HD प्लस, यहाँ पर भी आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है रियलमी 7i में। इसके अलावा स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बारिश वगैरह में थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो आसानी से। और इसके अलावा आपको यहाँ पर TFT पैनल मिलता है, IPS LCD पैनल इसको मिल जाता है। और डिस्प्ले में यहाँ पर एक और रियलमी 7i में अच्छी चीज़ मिल जाती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको रियलमी 7i में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको रियलमी 7i में देखने को मिल जाता है। लेकिन टेक्नो कैमोन में कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है ये अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आया है। ये हो गई डिस्प्ले की बात। तो ऐसे में डिस्प्ले के मामले में फिर चाहे वो रिफ्रेश रेट हो, PPI हो, रियलमी 7i थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो टेक्नो कैमोन 16 में आपको जो है ना मिरेटेक हेलियो G70 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, माली G52 GPU के साथ में। और यहाँ पर Realme 7i में Qualcomm Snapdragon 662 चिपसेट दिया गया है, जहाँ पर आपको Adreno 610 वाला जो GPU देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 4GB RAM आपको मिल जाती है दोनों ही फोन्स में, LPDDR4X। और इसके अलावा जो स्टोरेज है वो 64GB दोनों ही फोन्स में दिया गया है। तो परफॉर्मेंस और स्टोरेज वाइज देखा जाए तो टेक्नो कैमोन मुझे थोड़ा सा आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि अगर मीडियाटेक चिपसेट जो है ना G70 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखा जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट थोड़ा सा पुराना है और परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा पुराना है और गेमिंग के लिए उतना बेहतरीन नहीं है जितना G70 है। तो इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में आपको थोड़ा सा आगे टेक्नो कैमोन दिख जाएगा और स्टोरेज लगभग सेम है। इसके अलावा अब बात करते हैं मेन डिपार्टमेंट, मेन डिफरेंस हो गया यहाँ पर कैमरा। कैमरा जो है ना डिफरेंस इसमें ज़्यादा नहीं है, 64+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर मतलब कैमरा सेटअप जो है ना आपको टेक्नो कैमोन 16 में मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, डेप्थ सेंसर, अल्ट्रा वाइड वगैरह सेंसर आपको मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैमरे में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। अपर्चर जो है ना F1.79 यहाँ पर मिल जाता है और इसके अलावा F1.8 अपर्चर आपको Realme 7i मिल जाता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको टेक्नो कैमोन 16 में और इसके अलावा यहाँ पर 64 यानी क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है Realme 7i में। तो कैमरा वाइज देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन्स एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल जाता है Realme 7i। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की। तो जो फ्रंट कैमरा है वो सिंगल दिया गया दोनों ही फ़ोन्स में, पंचोल कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दोनों ही फ़ोन्स में दिया गया है, जहाँ पर आपको टेक्नो कैमोन 16 में बता रहे हैं कि डुअल LED का सपोर्ट मिल जाएगा फ्रंट कैमरे में। और यहाँ पर स्क्रीन फ्लैश जो है ना लगभग आजकल हर फ़ोन में आ रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना कैमरा डिपार्टमेंट में
रियलमी 7i थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी एंड चार्जिंग की। 5000 mAh की दोनों ही फोन्स में बैटरी दी गई है और 18W की फास्ट चार्जिंग दोनों ही फोन्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेटवर्किंग वगैरह हो गया तो वो सब सेम है। यहाँ पर FM रेडियो शायद मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन मिल जाता है। FM रेडियो शायद इस फोन में नहीं है। 3.5mm ऑडियो जैक वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है रियर माउंटेड। इसके अलावा सारे के सारे जो सेंसर्स हैं, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप और इसके अलावा यहाँ पर एक्सेलेरोमीटर, ये सारे सारे सेंसर मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब ये होगी इसकी स्पेसिफिकेशन, अब कौन सा फ़ोन कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में किसको हराता है। तो मैं आपको बता दूँ कि डिस्प्ले के मामले में रियलमी 7i भी आगे निकल जाता है। बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में दोनों ही फ़ोन समान हैं, कोई अंतर है नहीं। तो डिस्प्ले के मामले में रियलमी 7i, कैमरा के मामले में भी रियलमी 7i आगे निकल जाता है और बैटरी के मामले में दोनों ही फ़ोन्स एक जैसे हैं। इसके अलावा स्प्लैश प्रूफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन मिल जाती है, 90Hz डिस्प्ले मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ना दो डिपार्टमेंट में आगे निकल जाता है और एक डिपार्टमेंट बच गया परफॉर्मेंस वाइज, यानी कि चिपसेट। मीरटेक हीलियो G70 जो है ना स्नैपड्रैगन 662 से थोड़ा अच्छा है। तो परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह के लिए टेक्नो कैमोन में आपको कोई भी दिक्कत, फ्रेम ड्रॉप्स, लैगिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फ़ोन भी अपनी जगह पर अच्छा है। देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट को बैटरी और कैमरा में थोड़ा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर रियलमी 7i में हमसे 1000 रुपया ज़्यादा भी लग रहा है। सेल में दोनों ही फ़ोन्स पर कार्ड का डिस्काउंट मिलना चाहिए, पूरी उम्मीद है मिल जाएगा। तो ऐसे में मैं किस फ़ोन के साथ जाऊँगा और आपको कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए। देखिए टेक्नो जो है ना अच्छा काम इस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ फालतू के चिपसेट वगैरह डाल के दे देता है, पुराने पुराने चिपसेट जो 6 महीने चलने के बाद फिर उनका आता पता नहीं पड़ेगा। तो इस बार चिपसेट जो है ना अच्छा लॉन्च किया है टेक्नो ने। तो अगर 1000 रुपये कम में ये फ़ोन आप ख़रीद लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 1000 रुपये ज़्यादा पड़ रहे हैं तो मैं जो है ना रियलमी 7i के साथ जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि डिस्प्ले हमको थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, IPS पैनल वगैरह मिल जाते हैं, 90Hz डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा जो है ना वो भी अच्छा थोड़ा मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी अच्छा दिया गया है यहाँ पर। तो कैमरा और डिस्प्ले में भी ये थोड़ा आगे निकल जाता है और मुझे गेमिंग वगैरह करनी नहीं इसलिए चिपसेट वगैरह ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है और बैटरी दोनों ही फ़ोन्स में समान है। तो थोड़े से रुपया ज़्यादा डालकर आप जो है ना रियलमी 7i के साथ चले जाइए, क्योंकि रियलमी जो है ना अभी थोड़ा भरोसेमंद ब्रांड है। ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको जो फालतू के ऐप्स वगैरह वो थोड़ा कम देखने को मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट थोड़े से कम देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे में अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं और बजट थोड़ा कम है तो आप टेक्नो कैमोन 16 के साथ जा सकते हो। ये भी फ़ोन अपनी जगह पर अच्छा है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।